नमस्कार, न्यूज 24 के खास प्रोग्राम गुड मॉर्निंग नेताजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज भी हमारे साथ एक खास नेता मौजूद हैं, जो कि वैसे तो बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन इस बार वो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो भी बीजेपी के टिकट पर। और क्षेत्र कौन सा है? जी हाँ, हाई प्रोफाइल चांदनी चौक सीट। बीजेपी के उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डाइनिंग टेबल पर। सुबह सुबह हमने इन्हें एक तरीके से कहें घेर लिया है, क्योंकि बिल्कुल वक्त इनको नहीं मिल रहा है। हमने कई बार कोशिश भी की, लेकिन जनता के बीच कुछ इस तरीके से ये रम गए हैं कि वक्त निकाल पाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसा ही है सर? बिल्कुल ऐसा ही है। और जब से टिकट की घोषणा हुई और जिस प्रकार से हमारे पूरे भाजपा के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा नैरेटिव है, तो बाकी चीज़ों के लिए अब समय मिलना लगभग बंद हो गया। और 24 में से लगभग आप माने तो 20 घंटे अब केवल इसी काम में जा रहे हैं। तो इसलिए किसी चीज़ों का होश नहीं है। होश एक ही है कि जो विश्वास प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त किया है, उस विश्वास को 6 गुना 8 गुना 16 गुना चक्रवर्ती ब्याज के साथ किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी को लौटाया जाए, एक बड़े बहुमत के साथ चांदनी चौक की सीट को जीता जाए। जाहिर तौर पर क्योंकि चैलेंज बड़ा है, लेकिन बिजनेस मैन के तौर पर आप बहुत जाने माने नाम हैं, और ट्रेड यूनियन जिस तरीके से आपने बनाया और उसके बाद से उसको संवारा और उसके तहत लगातार उस पर काम भी करते रहे, लेकिन बिजनेस में क्या होता है कि वक्त निकल जाता है, आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते हैं टाइम, लेकिन राजनीति बिल्कुल अलग है। राजनीति में आपको टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। ऐसे में अपने लिए, परिवार के लिए समय निकाल पाना, क्योंकि आपकी धर्मपत्नी हमारे साथ बैठी हैं तो उनसे भी सवाल करेंगे, कितना टफ हो जाएगा? देखिए, ये सवाल परसेप्शन का है। जैसे आपने कहा कि अभी तक एक परिवार में मैं काम कर रहा था, एक परिवार की जिम्मेदारी थी, और ईश्वर की कृपा से उस जिम्मेदारी को जहाँ तक संभव हो सका अच्छी तरीके से निभाया है। और ये मेरे पूरे परिवार की ताकत है कि मैं उस प्रकार से काम कर पाता हूँ। लेकिन अब एक नए परिवेश में मैं जा रहा हूँ, तो इस मेरे इस परिवार के साथ मेरा एक बहुत बड़ा परिवार मुझसे जुड़ने जा रहा है, और उस परिवार की भी आशाएँ हैं, आकांक्षाएँ हैं, अपेक्षाएँ हैं। वो परिवार भी मुझसे कुछ सोचता है, उसकी कुछ उम्मीदें हैं। तो अगर मैं उसको इस तरीके से देखूं, तो अगर मैं अपने इस परिवार की उम्मीदों को पूरा कर पा रहा हूं, तो फिर मुझे उस परिवार की उम्मीदों को भी पूरा करना है। और जाहिर सी बात है कि इस परिवार से वो परिवार ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा व्यापक है, वहाँ पर उनके मुद्दे ज़्यादा हैं, उनकी अपेक्षाएँ ज़्यादा हैं, तो मेरा समय भी अधिकतर उसमें लगेगा। तो इस दोनों के बीच में समन्वय कैसे करना, तो अगर एक व्यक्ति ये समझ जाए, और मैं इस बात को समझ गया हूँ, तो मैं तैयार हूँ पूरे तरीके से कि समन्वय करके किस प्रकार से दोनों परिवारों को मैं खुश रख सकूँ, जो मेरी जिम्मेदारी है। जी, और वैसे भी प्रवीण जी, घर में शांति होती है और काम में चुनौतियाँ होती हैं, और उन चुनौतियों को आपने एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि अब हम लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं और बहुत सारे व्यंजन मैं सुबह सुबह ही देख रही हूँ। आप तो लीजिए कुछ। जी मैं बिल्कुल लूँगी, लेकिन पहले आपसे मैं जानना चाहूँगी, वक्त मिल पा रहा है कि सुकून से खा पाएँ, और क्या खाना पसंद करते हैं जब घर में आते हैं, जब क्षेत्र से? जी देखिए, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ कि सुकून से वक्त मिल पा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सुकून से बिल्कुल भी नहीं खा पा रहा। बस जब तक चुनाव है तो भोजन के लिए भोजन करना है, और नहीं तो अदरवाइज़ काम करते रहना है। तो सुकून का तो जो भी आएगा वो चुनाव में जीत के बाद ही आएगा, लेकिन तब तक समय के अनुसार जैसा मिल जाए वैसा भोजन कर लेते हैं। और वैसे इस बीच में मैं आपको बता दूं कि प्रवीण खंडेलवाल जी की ये बिटिया हैं, और यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे व्यंजन तैयार किए हैं, क्योंकि प्रवीण जी की जो है इस वक्त व्रत चल रहा है आपका, मेरे नवरात्रे का व्रत चल रहा है, और उन्होंने तैयार किया है कि पापा सुबह सुबह निकल गए थे, तो इसीलिए जब पापा घर आए तो उनको अच्छा अच्छा खाना मिले, और यहाँ उनकी पत्नी भी हैं। तो आज जो जिस तरीके से आपका व्रत चल रहा है, व्रत के दौरान में तमाम चीज़ें कर पाना बहुत टफ हो जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर यह समझना भी चाहूँगी, चूँकि हम डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं तो राजनीतिक गपशप आपसे ना हो ऐसा संभव भी नहीं है, तो ये बताइए, चूँकि कल कांग्रेस ने अपने तीनों कैंडिडेट के नाम अनाउंस कर दिए, आपके क्षेत्र से जेपी अग्रवाल को फिर टिकट मिला है, कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि बिजनेस वर्ग से वो भी आते हैं, आप भी आते हैं, और चांदनी चौक सीट तो मानी ही जाती है कि वो एक व्यापारिक गढ़ है। देखिए,
श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी हमारे आदरणीय हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति बड़ी ख़राब है, न केवल दिल्ली में, यानी आज उस कांग्रेस की ये स्थिति हो गई कि वो एक दूसरी पार्टी की बी टीम बनकर के चुनाव लड़ रही है दिल्ली के अंदर। तो ये जो नैरेटिव है यही कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमज़ोर करता है। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 वर्ष के शासन में हर उस वर्ग को छूने की कोशिश की है जिस वर्ग की कुछ ना कुछ उनसे उम्मीदें थी, और उसमें प्रधानमंत्री जी सफल हुए हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा नैरेटिव सेट कर दिया है और विकास की प्रयास की एक इतनी लंबी लकीर खींच दी है कि फिर अब कोई भी चुनाव लड़े मुझे नहीं लगता कि कोई चुनौती सामने दिखाई दे रही है, और कांग्रेस की स्थिति खराब। एक मिनट में आपको रुकना चाहूँगी, क्योंकि आपकी बेटियाँ आ गई हैं। इतना कुछ बनाया है आपने पापा के लिए, अभी तो पापा बहुत बिजी रह रहे हैं, कितनी एक्साइटमेंट है पापा लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? बहुत उत्साह है हमारे अंदर, बहुत खुश है, क्योंकि अब हम कैंपेनिंग में भी जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जादू है वो साफ दिख रहा है, और आई एम वेरी श्योर उसका हमें बहुत लाभ होने वाला है क्योंकि उनका जादू सब जगह बोल रहा है। और मेरी बस यही आशा है कि पापा आगे ये सबका हेल्प कर पाए उतनी, और सबके जो वादे कर रहे हैं हम वो अच्छे उससे पूरा कर पाए। बहुत अच्छी बात है, ये कहते हैं परिवार, जब आप परिवार से सुखी हैं, संपन्न हैं और मॉरली आप स्ट्रांग हैं, तो आप कोई भी काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, ऐसा आप मानते हैं कि नहीं सर? देखिए, परिवार की व्याख्या मैं दो तरीके से करता हूँ। एक मेरा ये परिवार है, अगर ये परिवार मेरे साथ खड़ा ना होगा तो मैं शायद काम नहीं कर पाऊंगा। और मैं अब जिस क्षेत्र में मैं जा रहा हूं, उस क्षेत्र में भाजपा का संगठन मेरा दूसरा परिवार है। वो परिवार अगर मजबूती से मेरे साथ में नहीं खड़ा होगा तो मैं वो डिलीवर नहीं कर पाऊंगा जो मैं डिलीवर करना चाहता हूं। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में परिवार का अपना एक विशेष महत्व है, और जिसने अपने परिवार को साथ लिया वही सफल है, ऐसा मेरा मानना है। आप भी मानती हैं? और अभी जिस तरीके से यहाँ पे डाइनिंग टेबल पर हम लोग सारे बैठे हुए हैं, रात के वक्त में आते हैं, व्रत है, ऐसे में कभी आपसे डिमांड करते कि मुझे यही खाना है, मुझे ये बना के दो, क्योंकि बाहर खान पान तो उस तरीके का रहता नहीं होगा, तो ऐसे में आप कैसे सपोर्ट कर पा रही हैं? नहीं, ये खाने पीने के मामले में बहुत सिंपल है, जो दो वो खाते हैं आराम से, बहुत कोई कोई चॉइस नहीं है कि मुझे ये बना के दो। उन्होंने पहले भी कभी नहीं कहा और अभी भी नहीं कहते। लेकिन मैम, चांदनी चौक सीट जो है ना, वैसे तो वहाँ पे चटोरी गलियाँ बहुत ज़्यादा है और स्नैक्स ऐसे ऐसी चीज़ें मिलती हैं, तो उस गली में जब जाओ तो ऐसी चीज़ें खाने का मन हो ही जाता है। तो सर आते हैं कि खा पी के? नहीं, ऐसे शुरू से प्रवीण खंडेलवाल जी ऐसे हैं, उन्हें इस सब चीज़ों का कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि व्यापारियों की सेवा में लगे रहते थे। जब पहले इलेक्शन से पहले भी वो, उनके दिमाग में बस मुझे काम करना है, काम करना है, खाने का उनका कोई शौक नहीं है। जो दे दो वो सिंपल है, खाने और पहनने के मामले में बिल्कुल सिंपल है। चलिए, ये आपके लिए राहत की बात है। आपको कौन सी चीज़ ऐसी है जो बेहद पसंद है खाने में? क्योंकि हम डाइनिंग टेबल पे हैं तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। मेरे मन में एक बात है कि चांदनी चौक ना केवल देश में बल्कि विश्व भर में चाट पकौड़ी के नाम से जाना जाता है जी। तो ये चांदनी चौक की विशेषता है। अगर इस चाट पकौड़ी को टूरिज्म से जोड़ दें तो एक बहुत बड़ा विषय बन सकता है, ना केवल देश के लिए बल्कि पूरे ग्लोब में, कि भाई चाट पकौड़ी की बात करो तो लोगों को चांदनी चौक याद आता है। और मेरा पूरा क्षेत्र चाट पकौड़ी से समृद्ध है, और आज हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में हमारे लोग जाते हैं। मैं उस देशों से आते हैं लोग वहाँ खाने के लिए। तो मैं वो चाट पकौड़ी की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, मैं उसके लिए कुछ काम करना चाहता हूँ कि चांदनी चौक जहाँ और चीज़ों के लिए जाना जाता है, चांदनी चौक चाट पकौड़ी के लिए भी जाना जाए। कि यहाँ पे लगातार जो है बहुत सारे आइटम्स यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि प्रवीण जी को वक्त नहीं मिलता है, रात को बहुत देर से आते हैं, सुबह सुबह निकल भी जाते हैं और व्रत भी है, तो ऐसे में कोशिश करते हैं परिवार के लोग कि जब भी आएं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा। और ये इनकी छोटी सी नातिन है जो इस वक्त नाना जी के गोद में जा रही है। अच्छा, आप भगवान से क्या प्रे करती हो? नाना को मन के बना दो। ये सांसद तो कह नहीं पा रही है। हाँ। तो बोलिए नाना को मंत्री बना दो। अच्छा अच्छा, बताओ वो एक बार जोर से बोलना। दादी दा। और हो
कम। अच्छा अब की बार टाटोपा। जोर से बोलो, जोर से बोलो टाटोपा। अब की बार। अच्छा और वो, और वो फिर एक बार मोदी सरकार। फिर एक बार मोदी सरकार। कितनी साल की है ये? दो साल की है। ये मेरी मेरी बेटी की बेटी है। और जब से, क्योंकि राम मंदिर का बहुत काम मेरे घर पर हुआ, क्योंकि पूरे देश में राम मंदिर के बहुत सारे कार्यक्रम हुए, तो मेरा घर गतिविधियों का केंद्र था व्यापारिक दृष्टि से। जब जब भी आती थी तो देखती थी मैं क्या करता हूँ वहाँ। जब भी बात होती थी तो लोग कहते थे जय श्री राम, इस तरीके की बातें करते थे। सब इसने अपने आप सीखा है। बच्चा बोलता है तो क्या होता है, दिन भर की थकान से जब अगर आप आओ ना, या अगर आप सुबह काम पर निकलो जैसे मैं अब निकलूँगा, तो ये जो शब्द हैं ये इतनी ऊर्जा भर देते हैं कि फिर आपको लगता है कि काम करो और काम करो, डट के काम करो, क्योंकि आपका परिवार पूरी ताकत से आपके साथ में है। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो आपको परिवार के साथ साथ जनता का भी प्यार मिले, यही उम्मीद करता है न्यूज़ 24। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले बार एक फिर और नेता से मुलाकात होगी इसी नाश्ते के टेबल पे, और उनसे भी जानेंगे कि राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ उनके जीवन में और क्या हलचल हो रही है। कैमरा पर्सन उमेश सिंह के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।